लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, कई जगहों पर यह 100 रुपए से ज्यादा है। लोग परेशान हैं कि खाने से प्याज गायब हो रहा है, लेकिन अभी प्याज की कीमत कम होने में वक्त लगेगा। विनोद मिश्रा, कहाँ है भैया? मार्केट में, मिश्रौल मंडी। क्या क्या लिए हैं? सब्जी खरीद रहे हैं, अभी शुरुआत किया है मैंने। सब्जी में सबसे अहम सब्जी होती है प्याज, उसको लिए हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिया मैंने। एक सौ बीस रुपये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 120 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बेच रहे हैं सर मार्केट में। तो ऐसे में आपका घर का किचन प्याज से कैसे? नहीं, सोचा जा रहा है कि शुद्ध शाकाहारी बना जाए और लहसुन प्याज का परित्याग किया जाए, है ना? हाँ, घर में इससे और लोगों को क्या सुझाव देंगे? सभी लोग प्याज लहसुन खाना छोड़ते हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि सब लोग खा लें और सरकार की मंशा के अनुरूप चला जाए। सरकार चाह रही है कि आम जनता जो है शाकाहारी बन जाए, उसके किचन का टेस्ट खत्म हो जाए, भले से उसको किसी भी तरह का समझौता क्यों न करना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। अशोक ठाकुर के मुताबिक प्याज की कीमत कम होने में अभी 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। मंडी में अभी इतनी प्याज नहीं है कि जितनी हर साल होती है। इस साल ज्यादा मानसून के चलते प्याज की फसल बर्बाद हो गई। सुशील वर्मा, मंडी में सब्जी लेने। क्या क्या लिए हैं सब्जी? आलू लिए हैं, बैंगन लिए हैं, हरा मिर्चा लिए हैं, टमाटर लिए हैं, साग लिए हैं। प्याज नहीं लिए हैं भैया, बहुत महंगा है। तो किचन का जाकर खर्चे नहीं होगा आपका? अरे खर्चा होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब किचन में कैसे प्याज नहीं इस्तेमाल होगा तो खाना कैसे हो सकता है? सब्जी नहीं खाएंगे, लौकी खाएंगे। हाँ। आलू का भुजिया खाएंगे। इतने गुस्से में आप हमसे बात कर रहे हो? नहीं, गुस्से में ऐसे बात कर रहे हैं ना, बहुत महंगा प्याज इसलिए। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, वैसे ही। तो कहीं बुआई तक नहीं हो पाई है, वही अभी खरीफ की फसल आना शुरू नहीं हुआ। तो राफेल को उम्मीद है अगले 10 दिनों में कुछ राज्यों में प्याज की फसल मंडी तक पहुंचने शुरू हो जाएगी। इस 100 रुपया किलो प्याज हो गया है। लिए हैं आधा किलो, यहाँ 2 किलो लिया जाता था, जहाँ आधा किलो लिए हैं, क्या किया जाए? हमारे माध्यम से सरकार को प्याज के रेट से कुछ कहना चाहिए आप? हाँ हाँ, का सस्ता करना चाहिए उनको। इसके अलावा केंद्र ने जो आयात कराए हैं वो प्याज अभी पहुंच जाएगी, जिसके बाद दम सामान्य हो जाएगा। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के लिए नाफेड की डायरेक्टर अशोक ठाकुर पूरी तरह से मानसून को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके मुताबिक मानसून में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण बहुत सारी बाजार कर निचला मंडी में प्याज लिए हैं? नहीं लिए, इतना महंगाई है तो लिया जाएगा। 100 रुपये किलो है प्याज? 100 रुपया। कैसे आप बाकी सब्जी कैसे बनाएंगे? अरे अब उसी तरह से कैसे जीवन यापन होगा और क्या है, किसी टाइम कटेगा। सरकार का सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार क्या कहना चाहेंगे, सरकार ठीक थोड़ी है, जब इतना महंगाई है तो कहाँ ठीक है। क्या आप नहीं कहेंगे कि प्याज का रेट कम हो या ज्यादा हो? अरे कम हो, कौन नहीं चाहेगा प्याज का रेट कम हो जाए। 10 रुपया किलो बिकाने वाला चीज पहुँचुआ 100 रुपया किलो बिक रहा है, इसलिए बर्बाद हो गई। उसके अलावा बहुत जगह बुआई तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्याज का उत्पादन कम हुआ है। इसी कम प्याज के उत्पादन के चलते दामों में उतना उछाल आया है, जिसमें ज्यादा नुकसान प्याज की फसल के महाराष्ट्र में हुआ है। जनपद महाराजगंज के निचोल से बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।